मम्मी हमने खाना खा लिया है और जब हम खाना खाने बैठे थे तो हमें दो गुड न्यूज मिली है। एक थोड़ी सी अर्लियर मिल गई थी वो भी हम आपको बताते हैं। पहली गुड न्यूज रामदेव बताएगा, दूसरी मैं बताऊंगी। काम करते हैं, गाय को भी साथ लेके, मैं भी वही सोच रही थी कि अगर 10-12 दिन के लिए जाना है तो गाय को भी साथ में लेके आते फिर होटल वालों को बोलेंगे कि एनिमल्स अलाउड है या नहीं, फिर लिफ्ट में लेके जाके ऊपर टेरेस पे बांध देंगे और फिर मिल्किंग करके जो बचेगा वो होटल वालों को भी दे सकते हैं। ताजा घी गाय का दूध, हमारे झोपड़ा रोटी खाई जाए बस वाह, इतना कौन ले जाए। खुश हो गई दादी माँ की, हमारे बच्चे भी खाना खाएंगे। तो हम लोगों ने पार्टी गई थी 2 बजे, 10-15 बार पूछा मम्मी लेके आई ये बलून्स तीन दिन के लिए ऐसे रखने। वैसे नॉर्मली मुझे ये बीच में नहीं अच्छा लगता, मैं साइड में रखती हूँ, लेकिन 3 दिन के लिए ऐसे रखने कट किए नहीं, पानी टच नहीं होने देना। वही जो लास्ट टाइम वही है, वो बोला था कि तुम्हारे बहुत अच्छे कर्ली बाल है, लेकिन कर्ली बाल को मैनेज करना बहुत हार्ड हो गया। उसको फिर वो करवाना होता है केरेटिन ट्रीटमेंट और उसका ध्यान ज्यादा रखना होता है, लेकिन हो गया तो अच्छा है। अभी के लिए स्ट्रेटजी 3 दिन के बाद वॉश करना, लेकिन यहाँ पे नहीं आ पाएंगे वापस वॉश के लिए, तो घर पे ही कर दूंगी। यार उन्होंने बोला है कि अगर पोरबंदर जा सकते हैं तो वहाँ पे वॉश, तो मैं वहाँ पे करवा के आऊंगी। 3 दिन बाद तो दिखेगा, क्योंकि ये 72 आवर्स के बाद वॉश का, तो यार फर्स्ट वॉश होता है, फर्स्ट वॉश को पोरबंदर जाना होता है, फिर वहाँ पे उसको जो प्रोसेस है। इस बार ना मैंने नहीं बोला था, मुझे करवाने ही नहीं थे अभी, लेकिन रामदेव ने बोला था पूरे दिन ऐसे पड़े। सुनो मेरी बात, मुझे करवाना ही नहीं था इस बार, लेकिन तुमने बोला कि करवा लो, वरना मैं बोल रही थी कि मुझे अभी नहीं करवाना है, क्योंकि अभी कुछ वेडिंग या कुछ नहीं है कुछ जरूरी। लेकिन फिर वीडियो में क्या होता था कि रोज मेरे बाल बहुत ही ज्यादा ऊपर के बिगड़ गए थे, तो अच्छे नहीं लग रहे थे, एंड इतना टाइम नहीं होता था कि मैं स्ट्रेट करूं, और रोज का स्ट्रेट का थोड़ा ज्यादा टाइम हो जाता, और रहता भी नहीं है स्ट्रेट, इतने ज्यादा डैमेज हो गए थे ऊपर से। सो और हम लोगों ने चाय बनाई थी, तो वो तो चाय बनाते टाइम क्या हुआ था, उनको सेम टाइम जाना था पुपू पोटी, है पोटी पुपू हो गए, और फर्स्ट टाइम आई थिंक तुमने पोटी साफ की होगी जब वो पैदा हुआ, तब फर्स्ट टाइम मैंने की। हां तो वो एक और ये दूसरी टाइम नहीं, बीच में 3-4 बार घर पे किए मैंने, मुझे क्यों याद, जब कॉलेज जाती थी तब भी करता था मैं इसकी नेपी चेंज। हां तो बहुत बार हो गई यार, ये चीजें तुम भूल कैसे सकती हो, मैं कितने टाइम रखा था मैंने इसको। अच्छा वो सब हो गया, 15 दिन का हुआ उसके बाद। हां सुनो मेरी बात, वो मैं मानती हूं। अब मेरा गिफ्ट कहां है, एनिवर्सरी गिफ्ट, ये बलून्स में से एक रखो। और ये मैं बता दूं, वो आंटी बोल रहे थे कि प्लीज ले लो, हमारे बच्चों के खाना आ जाएगा, आटा लेना है, बहुत कुछ करना है, अभी खाना में ऑर्डर करना है। सो मैंने फिर ले लिया सर, तो उनको भी अच्छा लगे और मुझे अच्छा लगा कि वो हमारे पैसे कुछ कमाएंगे, 100 रुपीज दे दिए, वो खुश हो गई, बहुत सारे आशीर्वाद दिए मुझे। क्योंकि अभी 9 बजे कर्फ्यू लग जाता है ना शहरों में, तो सब बंद करवा देते हैं, दुकानें वगैरह सब कुछ, और हम लोग मैं और ओम तो बाहर गए ही नहीं, हम अवॉइड ही कर रहे थे साथ में, इसलिए सब कुछ लाए ताकि बाहर जाना ना पड़े किसी के कॉन्टेक्ट में ना, खास करके ओम। और पार्टी गई थी तो उसने आके पूरी प्रोसेस जो होती है, मैंने वहाँ पे भी मास्क रखा था थोड़ी देर निकाला था, क्योंकि 4-5 घंटा था तो वो ज्यादा हो रहा था, एंड एक लेकिन मुझे वो पानीपुरी नहीं खा पाई, अभी मुझे देखने जाने का मन कर रहा, लेकिन शायद 9 बजे बंद हो गया होगा। तो पानीपुरी है पास में ही, लेकिन क्या करे, बंद है बंद, जो भी है कर लो, नहीं आई मीन दुकान के अंदर जाके खा सकते हो, बाहर से दरवाजा बंद कर दे, ऐसे नहीं आता यार। तो अभी 9:15 है, तो अभी वहाँ पे पुलिस वाले आ गए, तो सारी गाड़ियों को बाइक को रोक रहे, आई थिंक वो पूछ रहे कि कहाँ जा रहे, क्योंकि अब कर्फ्यू हो जाता है 9 बजे के बाद, सो सब कुछ बंद करवा रहे। इस साइड भी ऐसा ही है, आप देख सकते हो वहाँ पे, और उस साइड भी वैसा ही है। यहाँ पे मिल रहा है होम फूड खाना, किसको क्या खाना है जल्दी बोलो, आई मीन होम मेड खाना, किसको क्या खाना है जल्दी बोलो। आई मो
And yeah. I want to eat noodles. Oh, ये खोलना था ना? वो तो मैं भूल गई. तुमको क्या खाना है? Noodles खाने? Yeah. 500 रुपये दो जाओ. लेके आओ तुम्हारे पापा के पास. I need rupees. ओ बोरा सीरियसली ठीक है अभी नहीं खाना खाने के बाद देना ठीक है ओ थैंक यू दिस इज अ बिग रूपी अभी हम आज ज्यादा से ज्यादा घर से चीजें लेके आए ताकि बाहर ना जाना पड़े हमें इस सिचुएशन में तो यहाँ पे अभी बन रही है ओम के लिए मैगी है ना नो नूडल्स तुमको खाने नूडल्स रोटी और दाल हमने मंगवाई है अभी और यहाँ पे ज्यादा अभी कुछ मेन्यू नहीं है सभी को पता ही है कोरोना की वजह से बहुत लिमिटेड मेन्यू है I know where you were going, but I thought that why the hair person takes a lot of time? Oh, ऐसा लगा था तुमको? Yeah, I thought like that. Hair person. Hair person ने बहुत टाइम लगा दिया था. और यहाँ पे अभी मैं केक भी लेके आई यहाँ पास में थी तो जल्दी जल्दी में और कुछ तो नहीं लेके आई मैगी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है अभी मुझे ये बर्तन भी क्लीन करने होंगे चाय के और सब नहीं वो नहीं बोल रही हूँ क्योंकि साथ में यहाँ पे चाय बनाने के लिए लेके आए ना वरना नॉर्मली होटल में होता नहीं ये बर्तन क्लीनिंग का और वो सब काम कुकिंग का और मैगी बनाने हाँ ये सिर्फ मैं कोरोना की वजह से ये सब कुछ किया कि यहाँ पे अंदर ही बना लेते अभी अगर दो तीन दिन रुकना होता ना तो मैं पूरा सामान लेके आती जैसे आटा फिर रोटी और सब्जी रोटी सब्जी खिचड़ी फिर हम काम करते हैं गाय को भी साथ लेके मैं भी वही सोच रही थी कि अगर 10-12 दिन के लिए जाना है तो गाय को भी साथ में लेके आते फिर होटल वालों को बोलेंगे कि एनिमल्स अलाउड है या नहीं फिर लिफ्ट में लेके जाके ऊपर टेरेस पे बांध देंगे और फिर मिल्किंग करके जो बचेगा वो होटल वालों को भी दे सकते हैं ताजा घी गाय का दूध जूम किया जाए यहाँ पे जूम करो what about मैं इस बात पे सो गया हूँ उठाओ पापा को उठाओ जल्दी उठाओ सारे एनिमल सब कुछ साथ में ही है हमारे यहाँ यहाँ पे मैगी बन रही है वो मैंने भी देखा नहीं करते लेकिन वो तो नॉर्मल सी बात लेकिन फिर मैं 5-10 मिनट वहाँ पे रुकी और फिर मैंने गाड़ी वाले को बोला कि भाई रुक जाओ जाने दो ये जिब्रा क्रॉसिंग है अभी हमने खाना खा लिया है और जब हम खाना खाने बैठे थे तो हमें दो गुड न्यूज मिली है एक थोड़ी सी अर्लियर मिल गई थी वो भी हम आपको बताते हैं पहली गुड न्यूज टाइम दे बताएगा दूसरी मैं बताऊंगी अब तू सामने बैठी है मैं कैमरा पकड़ा हूँ दोनों तू ही बता दे ओके तो पहली गुड न्यूज ये है कि लखू भाई का यूट्यूब चैनल मोनिटाइजेशन स्टार्ट हो गया आई मीन मोनिटाइज हो गया सो ये बहुत अच्छी बात है थैंक यू सभी लोगों को एंड दूसरी उससे भी बहुत ज्यादा अच्छी बात ये है कि जेता भाई के घर बेटे का जन्म हुआ है अभी अभी तू बुआ बन गई है तो मैं बुआ बन गई हूं फूफी यू आर फूफी तू भी बोलते है क्या ये फूई फूई फूफी बुआ पता नहीं हम फूई बोलते तो मैं फूई बन गई मैं बुआ बन गई बहुत खुश हूँ अभी अभी मम्मी पापा का फोन आया था तो मम्मी पापा जदा भाई सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश है मुझे सभी से बात हुई तो ये बहुत बहुत बड़ी गुड न्यूज है हम सबके लिए और तेरा मुंह आज बहुत बड़ा दिख रहा है दो तीन दिन पहले हम गए थे देवभूमि को मिलने के लिए तब 10 दिन का बोला था लेकिन अभी 3 दिन ही हुए ना हम गए थे पता नहीं कब गए थे विश करते हैं कि दोनों की हेल्थ बहुत अच्छी है बहुत ही अच्छी हो एंड हम कल रात को पहुंचेंगे घर सो शायद 1-2 दिन में हम जाएंगे बेबी को देखने के लिए भी जल्द बेबी बॉय दिखाएंगे आपको भी बॉय आपको दिखेंगे वेरी हैप्पी एंड थैंक्स अभी यहाँ पे रेडी हो गया है ओम का दूध हमारे इस छोटे से गैस की हेल्प से तो अभी मैंने सुबह उठ के एडिटिंग किया नाश्ता किया अभी ओम को रामदेव ने खिलाया क्योंकि वो पानी ज्यादा उड़ाता है ओम मस्ती करता है जब नहाने जाता है तो इसीलिए अभी रामदेव फ्रेश हो रहा है
तो इसके बाद अभी हम निकलने वाले हैं यहाँ से, नाश्ता भी कर लिया है। Let's do this. Okay, अभी हेयर बनाने। एंड कल रात को बहुत ही ज्यादा थोड़ा सा वो हो रहा था सोने में प्रॉब्लम, क्योंकि बाल को सीधे रखने ऐसे नहीं सो सकते वैसे, तो नींद उड़ गई थी। एक मिनट सोचा कि फिर कैसे सोना है, सो अच्छी तरह से नहीं नींद हो पाई टेंशन की वजह से बालों के, लेकिन दो दिन ऐसे ही रखने, बाद में वॉश कर सकते हैं तो फिर कुछ टेंशन नहीं है ना। ये जो नए लेके आए थे ना मम के लिए, वो है टी शर्ट एंड दिस ट्राउजर। सो अभी इसके साथ ये वीडियो करते हैं यहाँ पे खत्म, जल्दी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एंड अभी हम जा रहे हैं स्पेशल चीज के लिए, स्पेशल मेमोरी बनाने के लिए, कुछ एनिवर्सरी स्पेशल है ना। गुड, सो देखते रहिए, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लाइक, थैंक यू। अगर आप सब्सक्राइब करो जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाते रहो आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली से, वही हमारा सबसे बड़ा एनिवर्सरी गिफ्ट है। सो थैंक यू सभी लोगों को, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। यस, ओए मेरे बाल को ऐसे मत करो एक दिन। और पता है लास्ट टाइम जब मैंने यही टॉप पहना था जब हम आए थे इसी होटल में और बाहू को लेने जा रहे थे, तो बहुत खुशी थी है ना, पता है। बट अनफॉर्चुनेटली बाहू नहीं, बट दैट्स ओके, we can't do anything for Bahu. Yes.